नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिहार पॉलिटेक्निक DECELE के एक नए वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 31 अक्टूबर से फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा ट्रेड अलॉट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह है आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। इसी के माध्यम से आपको पता चलेगा कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है और ट्रेड कौन सा अलॉट हुआ है। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए दोस्तों आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं, और निश्चित रूप से वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन होना चाहेंगे तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आपको अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है BCEC बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, और यहां पर आपको आ जाना है DECELE वाला सेक्शन में। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है यहाँ पर देखिएगा तो आपको लेटरल एंट्री वाला सेक्शन में जैसे ही आप यहां पर क्लिक कीजिएगा, तो यहां पर जैसे ही हम क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर भी आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर देखिए अभी जो है इम्पोर्टेंट शेड्यूल और ऑनलाइन अप्लाई का है, तो यहां पर अभी ऑप्शन नहीं खुला है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपका कैसा दिखता है अलॉटमेंट लेटर, क्या क्या होता है, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट शेड्यूल के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। शेड्यूल देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वंचित हो जाते हैं कि हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं, अब दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप पहले से सचेत रहिए। तो यहाँ पर देखिए 31 ये जो है अक्टूबर है, यानी कि कल से, अभी हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि सुबह से जो है आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर पब्लिश किया जाएगा। आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, एक नवंबर से डाउनलोड कर सकते हैं 4 नवंबर तक। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा फर्स्ट राउंड वाला, वो 5 नवंबर से 6 नवंबर तक होगा। तो आप इस शेड्यूल को निश्चित रूप से ध्यान में जरूर रखिए। चलिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर के ओर चलते। तो दोस्तों ये है आपका पॉलिटेक्निक सेकेंड राउंड जो हुआ था, इसी तरह का आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट दिखने वाला है। तो निश्चित रूप से सेम टू सेम रहने वाला है। तो ये जो है आपका टोटल प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी तरह आपका दिखाई देगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और यहाँ पर कितना आपका रैंक था वो शो करेगा, और किस रैंक से आपको कौन सा ट्रेड अलॉट हुआ है वो आपको यहीं पर शो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसको मिला था, और कौन सा कॉलेज में मिला था यह भी जो है देख सकते हैं यहाँ पर मिला हुआ है इसको। यहाँ पर GP सिवान मिला था, और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला था। और नीचे आइएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अंगूठा का निशान अच्छे से लगाना है इसे प्रिंट करके, और यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर और यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर आपको करना है। जो डेट है उस डेट, जिस डेट को आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, वो डेट आप डाल दीजिए, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है। और यहाँ पर आपका टोटल नाम रहेगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सा कोर्स मिला है, कौन कॉलेज मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं GP सिवान मिला है इसको, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिवान कॉलेज। और यहाँ पर देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्टिंग सेंटर लिखा हुआ है। तो रिपोर्टिंग सेंटर का मतलब ही हो गया कि आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है सारा डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग सेंटर का जहाँ नाम रहेगा वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए निश्चित रूप से जाना ही होगा, चाहे आपका फर्स्ट राउंड हो या सेकेंड राउंड हो। निश्चित रूप से अगर कॉलेज अलॉट हो गया है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया है, तो निश्चित रूप से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो यहाँ पर देखिए
छपरा कैंपस दिया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, लेकिन इसका एडमिशन जीपी सिवान में हुआ है। तो अलग अलग आपका रिपोर्टिंग सेंटर हो सकता है और आपका जिस कॉलेज में एडमिशन होगा वो अलग हो सकता है। तो दोनों सेम नहीं मिल सकता है और मिल भी सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं डेट मिल जाएगा कब से कब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल का जो है सिग्नेचर भी हो जाएगा। तो ये है आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, आपका कुछ इसी तरह से दिखने वाला है। तो निश्चित रूप से अगर आप रोल नंबर रोल कोड भेजते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर भेजिएगा, तो हम डाउनलोड करके ज़रूर बता देंगे, क्योंकि मेरे पास DECELE वाला कोई भी रोल नंबर नहीं है और ना ही डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए हम नहीं दिखा सकते हैं तुरंत डाउनलोड करके। तो निश्चित रूप से आप में से कोई भी एक रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजिए, जिससे कि मैं आप सभी के सामने प्रकाशित कर सकूं कि DECELE का सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिए, और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहुँचता ही रहेगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।